धोबी गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के ज्योति कलश छलके एक प्रश्न होता है गुजराती में, लेकिन मैं हिंदी में कहूं, एक प्रश्न होता है जमना पगना अंगूठा ऊपर, गुजराती में कहूं जमना पगना अंगूठा पर चंदन नु तिलक शु काम करवामां आवे, ए तिलक मने आम चश्मा काढवानु आळस चढ़े, નહીતર આમ કાઢીને પહેરી લેતો હું તો ફડાકો ભડકો થઈ જાય, પણ હવે આમ આળસ ચડે છે. હા ભડકો, હા એ તિલકનું મહત્વ કહેવા કૃપા કરશો. મેં અપને અંગૂઠે પર ચંદન કરતા હું, મેં એને કહાં સે પ્રેરણા પાઈ એ ભી આપકો બતા દઉં. મેરા દાદાજી નહીં કરતે થે, प्रभुदास बापू भी नहीं करते थे. दादाजी तो शुद्ध हम जो निम्बार की परंपरा है उसी का ऊर्ध्व गोपी चंदन का तिलक करते थे, ये जो परंपरा में आता था वो. तो मैं छोटा था, सातवीं श्रेणी में महुआ में पढ़ता था. मेरे क्लास टीचर का नाम दूं आपको, पूजनी प्रभाशंकर भाई व्यास मेरे क्लास टीचर थे. मालण नदी में जब पूर आता था वर्षा ऋतु में, पैदल जाना पैदल आना, तो हमें तलगा जड़ा नहीं जाने देते थे कि मेरे घर रह जाओ. ऐसे टीचर थे साहब सब. तो ये मेरे क्लास टीचर थे. तो उसी समय मऊआ में एक महाजन वाड़ी है, उसमें कोई न कोई साधु संन्यासी आते थे प्रवचन करने के. तो ये श्रवण का पहले से स्वभाव, तो कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनने में आ जाए तो जीवन में उपयोगी हो जाए, आनंद आए. तो मैं उस सन्यासी को सुनने जाता था, बहुत साल पहले की बात ये है, 11-12 साल की उम्र की बात है. वो सन्यासी जब आते थे तो हम द्वार पर खड़े रहते थे, वो अंदर जाए अपनी पीठ पर बैठे, फिर हम जहाँ जगह मिले बैठ जाते थे. तो वो सन्यासी अपने दाएं अंगूठे पर चंदन लगाते थे, और मैंने तो कोई प्रश्न नहीं पूछा, मैं देखता रहा कि स्वामी जी दाएं चरण पर अंगूठे पर चंदन लगाते. एक दिन प्रवचन में उसी स्वामी जी को ही किसी ने प्रश्न पूछा कि आप स्वामी जी आप चंदन क्यों लगा, चंदन तो बहल में ठीक है अब क्यों. तो उसने ऐसा जवाब दिया था कि ये कोई दंभ पाखंड या तो कोई दिखावा नहीं है, आप जो अर्थ करो स्वामी जी कहते हैं, लेकिन नख पर दाएं पैर के नख पर चंदन और शिख यानी बाल में चंदन ये केवल मेरे लिए मैं करता हूँ कि नख से शिख तक मेरा चिंतन सुगंधी और शीतल रहे. तो ये बात मुझे अच्छी लगी. फिर उसको नकल कहो तो नकल जो कहो, तब से मैंने मेरे, कई लोग ऐसे गैर समझ में है कि बापू आज ये चंदन करे थे रोज एन कोई पूजा करतू हे, आ पावन ने छोकराओ जे सेवा में हो ते हूँ जरा सवार तैयार था त्यारे चंदन लई आवे आ छोकराओ ने चंदन करे मारी आरती उतार एन काढ़ी नाखूँ सेवा में जो आवा नखरा करे तो. ये कोई, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा, मैंने मुझे ठीक लगा कि ये विचार अच्छा है.
कि एक शीतलता का संदेश, नखशिक शीतलता हो आदमी में, तो तब से मैं कर रहा हूं, अब तो सब कर रहे। एक नदी पर ब्रिज बना लो ना तो हाथी भी चले चीटी भी चले, एम्बेसडर भी जाए ने कॉन्टेसा भी जाए। कॉन्टेसा तो हमें गई नहीं, हाँ गई, हाँ वही केवी अति कॉन्टेसा यार, हम लहकारे आलती लहकारे हम ये भी कॉन्टेसा। हाँ कौनी कौन दाना क्या ना, ये तो वीके पटेल नहीं पण એની વાત સાચી છે, વીકે પટેલની ગાડી પણ એ ફિયાટ અને લાલ રંગની હતી, અને જ્યારે એમાં બેસીને નીકળ્યું એટલે કૂતરાઓ મારી પાછળ પડે, કારણ કે લાલ અને ગેરુઆ રંગ ઉપર કૂતરાઓને ખબર નહીં શું પૂર્વગ્રહ છે। હા એ પછી પોલીસ હોય પોસ્ટમેન હોય કેવા કલર એની પાછળ પાછળ, પણ તમે ગાડીમાં જતા હો અને કૂતરાઓ ભસે ત્યારે તમારે કાચ ચડાવી દેવા, ભલે પરસેવો થાય, પહેલાંની ગાડીઓમાં એસી નહોતા, ભલે પરસેવે રેપ જાઓ અકળાઈ જાઓ વાંધો નહીં થોડી વાર, પણ કાચ ખોલવા નહીં, ભસતા કૂતરા 2 કિલોમીટર સુધી પાછળ આવી શકે જ નહીં, થોડા મીટર જાય વાહ વે એમ તમારી નિંદા કરે ને ત્યારે તમારી ગતિમાં રહેવાની, કાનની આડા કાચ ચડાવી દેવાના, એટલે પછી જે નિંદા કરતા હશે એ પછી કેટલું દોડે નિંદાવાળા ક્યાં સુધી। એટલે તો કબીર સાહેબ કહેતે નિંદક નહીં રે રાખી હૈ ઉસકો પડોસ મે કિરાયે પર મકાન દિલવાઓ કે વો નિંદા કરતે કૂતરાઓ કૂતરાઓ ગયા યાત્રાએ तो पहले तो यात्रा होती थी तो धामधूम से भेजा जाता था, द्वारका ने छापू मरा हुआ गया तो कूतरा हो द्वारका यात्रा करवा गया, निकलो संघ श्वान संघ निकलो, अमुक कूतराओ समझदार था, कूतराओ कूतराओ एम समझदार, पण हूँ आपने कहूँ સમજદાર હતા, કારણ કે ગુરુ દત્તાત્રેય પાસે રહેલા હતા, દત્ત કે પાસ કૂદતે રહેતા, દત્તાત્રેય કે પાસ રહેતા, તો વો યાત્રા પર ગયે, એક જો કૂતતા થા વો સાથ મેં, લેકિન દ્વારકા નહીં પહોંચા, ઓર સંઘ બડા થા, द्वारिका के द्वारिकाधीश के दर्शन करके सब लौट रहे हैं तो आधे रास्ते पर वो मिला, सबने पूछा भाई साहब आप हमारे संग निकले थे, हम द्वारिका यात्रा करके लौट रहे आप अभी तक पहुंचे नहीं, बोले देर इसीलिए हो गई कि जिस गांव से गुजरे और जिस गली में दूसरे कुत्ते को देखूं मैं उसके तरफ भौंकने लगता था, इसमें तुम आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया, आपने आमज करिए थी आने जो एनी हमें भौंक्यू आनी सामे बसया एम अपनी यात्रा द्वारका सुधी पहुँचती नहीं साहब, चरई वही थी धीमा हालो पण चालू रहो, यात्रा चालू रहे, ट्रेन धीरी चले लेकिन ट्रैक पर रहे तो कभी न कभी गंतव्य स्थान पर पहुँच जाती है, यात्रा ऐसी होनी चाहिए। તો એ વીકે પટેલ કી ગાડી હતી ને એ ફિયાટ હતી, ફિયાટ એ હવે ક્યાંય નથી દેખાતી, નહીં ઇનોવા તો છે જ હવે, પછી એમ્બેસેડર તો જેમાં હોર્ન સિવાયનું બધું વાગતું, એવું લોકસભામાં એક વખત વાત થયેલી બરાબર, કે હોર્ન સિવાય જેમાં બધા જ અવાજ થાય એવી એમ્બેસેડર, એમ્બેસેડર પણ ડર ને એમ્બેસેડર પણ, વાહ એમ્બેસેડર વાહ બહુ જ એમ્બેસેડર, આ પ્રધાનોને પહેલાં એમ્બેસેડર મળતી હતી, અમદાવાદથી પ્રધાનને કોઈને આવવું હોય ને મોવા એસી નહોતા, કરશે હવે રેપ જેપ થઈ જાય, માધવભાઈ સોલંકી આ બધાને મેં જોયેલા છે, તરત જ આવીને કપડાં બદલે ફંક, ત્યારે એસી બેસી નહોતું સાહેબ,
एक भाई ने एक भाई लिफ्ट दी एम्बेसडर में, तो गर्मी बहुत, एसी नहीं था, तो जो लिफ्ट दी उसने शीशा खोल दिया, ड्राइवर ने सेठ ने कहा शीशा बंद रख। अरे पण अकड़ामण थाय, तो कहीं जे थाय मैं लिफ्ट आपीश बेसू तो बंद कर केम, हाँ कि शीशा खुला रखू तो बीजाने एम थाय कि आमां एसी नहीं लगता, भरम रहेवो जोईए, खुली नाखू थे तो थाय आम भरम मान, भरम में आपणे तूटी गया यार। कहने का मेरा मतलब है बाप, मैं आपसे कह रहा था दशरथ जी का धर्म दर्शन, यही बात थी ना भाई। फूल फूल ऊपर की गाड़ी बदी जाए, हाँ एक और फूल, એટલે પછી કીડી નીકળે ને ગાડી નીકળે ને હાથી નીકળે, અતિ અપાર જે સરિત બર જો નૃપ સેતુ કરાય, તુલસી કહેતે ચીટી ભી, એટલે પછી બધા અંગૂઠા રંગવા માંડ્યા, પછી બધા એ સારું છે ને, સારું બધા પછી એમ કરે। એટલે ઘણા ઘણા હજી એવું માને કે બાપુ સવારમાં નીકળતા હશે એટલે તો આ બધા છોકરાઓ એ પહેલાં પૂજા કરતા હશે, દંડવત કરતા હશે, હા કાઢી મૂકું આ લોકોને, એક સરસ કડક મીઠી ચા પીવડાવી દો એટલે તમારી બધી સેવા પૂરી થઈ જાય સાહેબ, બાકી એ ક્યાં કરના હે, બહુ ક્લિયર કરવું જરૂરી છે, અત્યારે ખોટી ખોટી માન્યતાઓ પેદા થાય છે સાહેબ, और ये काम मेरे सिवा कौन करेगा। जय सियाराम। पूज्य श्री मुरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है, इसी उपलक्ष्य में हम प्रति शुक्रवार आपके सामने पूज्य बापू के जीवन के एक एक पहलू को उनकी ही वाणी में पेश कर रहे हैं। पूज्य बापू के अनुग्रह और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजरड़ा और संगीतनी दुनिया मऊहा के सौजन्य से ये काम हो रहा है। हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सियाराम।